नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। और इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहे इस वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय करो। और मैं बात करूं तो अभी नज़ारा देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और रेलवे स्टेशन पर हम बस पहुँचने ही वाले हैं। और छोटी सी वीडियो है और मैं बात करूँगा इसकी कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में और स्टेशन कोड के बारे में और जो फेमस फेमस रेलवे स्टेशन उसकी दूरियों के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हैं तो अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन पे कितने प्लेटफॉर्म हैं। तो दोस्तों, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, मतलब कि 2 प्लेटफॉर्म नंबर हैं। और मैं बात करूँ स्टेशन कोड की, स्टेशन कोड जब आप कभी भी टिकट बुक करते हैं तो आपको वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, उस कोड को जानना या देख सकते हैं। तो स्टेशन कोड है FTG, इस स्टेशन कोड का नाम है। और मैं बात करूं और भी चीज़ें, जैसे कि यहाँ जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है या थोड़ा सा दूर पे कौन कौन से रेलवे स्टेशन है, कितना दूरी पे है, तो देख सकते हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन यहाँ से 81 या 85 किलोमीटर के आसपास में है। प्रयागराज जंक्शन आपको करीब 100 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाता है। कानपुर रेलवे स्टेशन आपको करीब 110 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। वाराणसी जंक्शन 190 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय 202 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाता है। और गोंडा जंक्शन 120 किलोमीटर के आसपास में, बस्ती रेलवे स्टेशन 150 किलोमीटर के आसपास में, और सतना रेलवे स्टेशन 195 किलोमीटर के आसपास में, और गोरखपुर जंक्शन 204 किलोमीटर के आसपास में। तो और भी थोड़ा सा जो रेलवे स्टेशन, जैसे रायबरेली जंक्शन आपको पड़ जाएगा 18 किलोमीटर के आसपास में, सुल्तानपुर 65 किलोमीटर के आसपास में, ऐसे ही बाराबंकी जंक्शन 80 किलोमीटर के आसपास में, ऐसे ही बहुत सारे रेलवे स्टेशन जिसका मैंने डिस्टेंस बताया फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन से। और मैं बात करूँ तो स्टेशन पर लगने वाली है गाड़ी और थोड़ा थोड़ा स्लो हो रही है। और दोस्तों, बस पहुँचने ही वाले हैं और स्टेशन पर बहुत ही नज़दीक हैं। हमें लगता है कि 2-3 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस होगा, क्योंकि गाड़ी अब स्लो हो रही है, तो इसका यह मतलब है कि हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जिस तरह से गाड़ी स्लो हो रही है उस तरह से जल्दी से हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएं। और आप बताओ कि आप अगर इस रेलवे स्टेशन पे आए हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि पहले कैसा रेलवे स्टेशन है। अभी जब आप देखेंगे तब आप बताइएगा कि पहले कैसा रेलवे स्टेशन हुआ करता था और अब कैसा रेलवे स्टेशन है। और कोई भी है कमेंट आप ज़रूर करके बताएँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं और गाड़ी स्टेशन पे लग रही है और रुकेगी। और ये पूरा रेलवे स्टेशन देख सकते हैं किस तरीके का है, काफ़ी साफ़ सफाई है, छोटा रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, शांति तो है क्योंकि छोटा रेलवे स्टेशन है, तो जब ट्रेन रुकेगी तभी थोड़ा चहल पहल होगी। और देख सकते हैं ये पूरा प्लेटफॉर्म है और कोई दिख नहीं रहा है, और ये स्टार्टिंग हो गया है प्लेटफॉर्म का। तो ये है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन और ये पूरा सीन देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का, ये पूरा सीन है। तो दोस्तों, ये पूरा सीन है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। ये देख सकते हैं फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा, छोटा में है, बहुत ही अच्छा, साफ़ सफाई बहुत ही अच्छा। तो अभी ट्रेन चलता है तब बात करते हैं थोड़ा हम आपसे। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन से, और ये है पूरा, मैंने आपको वीडियो दिखाया फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन कैसा है कैसा नहीं, 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, ये काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, हमने आपको दिखा दिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको कैसा लगा आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएँ, और नए हैं मेहमान तो ज़रूर लाइक करके बताइए, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। तो यही है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं कैसा खूबसूरती नज़ारा है और नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।